कुमार, भिवंडी शहर की राजनीति में जो है सरगर्मी गर्माती हुई दिखाई दे रही है। हमने आपको एक तस्वीर दिखाया था कल की, जहां पर बता दे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 18 नगर सेवकों में से 2 नगर सेवक जो हैं समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले हैं, इस तरह की जानकारी सूत्रों के अनुसार मिली थी। लेकिन आपको एक बात और बता दे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता जो आपको बता दे कि कांग्रेस पार्टी का दामन थामने वाले हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, शानदार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता और ज्येष्ठ नेता के रूप में जाने जाते थे जावेद फारूकी, इनके कार्यालय का बैनर उतारा गया। आखिरकार क्यों, एक सवाल जनता के बीच में, ये जनता के मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस कार्यालय से बैनर क्यों उतारा गया? क्या यहाँ पर दूसरे पार्टी का बैनर लगाया जाने वाला है या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वो जिम्मेदार रहेंगे? ये सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि तरह तरह की बातें जो है भिवंडी शहर में जनता के बीच में यह फैल रही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो नेता के रूप में जाने जाते थे जावेद फारूकी, वो कांग्रेस पार्टी में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में शामिल होने वाले हैं। 22 तारीख को यानी कि 22 जनवरी को मुंबई के कांग्रेस पार्टी के तिलक भवन में जाकर वो कांग्रेस पार्टी का दामन थामने वाले हैं, इस तरह की जानकारी प्राप्त हुई है। भिवंडी शहर की राजनीति की बात की जाए तो उछल कूद के कार्यक्रम जो है शुरू हो चुके हैं, जिस तरह के उत्तर प्रदेश के चुनाव में चल रहा है। अब देखना यह है कि भिवंडी शहर में इस राजनीतिक पार्टियों में उछल कूद के कारण शहर के विकास किस हद तक की पूरा किया जाएगा।